हेलो फ्रेंड, आज मेरी बेटी आप लोगों को घर पे मशरूम बनाना सिखाएगी। पानी गर्म करना है, अब ये इस भूसे को हम इस गर्म पानी में डालेंगे। जितना बनाना है उस हिसाब से डालते जाइए। हम और डालेंगे इसमें, कि मम्मा भूसा बना रही है। मम्मा भूसा बना रही है? हाँ काका, क्यों से बना रही है? जैसे कि आप देख सकती हो, मेरी बेटियां भी इस काम पे लगी हुई है। हेलो करो। हेलो, आप क्या बना रहे हो? हाँ, मशरूम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक उबाल देने के बाद मैंने इसे ढक के ही छोड़ दिया है, कम से कम आधा एक घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तक गर्म पानी में इसे एक घंटे तक छोड़ दिया। अब इसे हम इसका पानी निकालने के लिए इसे एक टोकरी में रखेंगे। ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। जैसा कि आपने देखा, मैंने सारे भूसे को इस टोकरी में रख के पानी निकलने के लिए छोड़ दिया। आप या तो फैला के भी रख सकती हो कहीं पे सूखी जगह पे। मैंने इसी में ही रखा और इसके बाद जब तक इसका पानी पूरा अच्छी तरह से निकल ना जाए, जैसे कि ताप में से आपको दिख रहा होगा कि इसमें पानी निकल रहा है, ये पानी नहीं निकलना है। ये अच्छी तरह से ड्राई, पूरी ड्राई नहीं करनी है, पानी उतर जाना चाहिए। और जैसे कि ये से पानी हाथ से निकलना नहीं चाहिए और ये छोड़े तरह से छूट जाए। जैसे कि आपके हाथ में थोड़ी चिपचिपापट दिख रहा है ना, वे नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इसे मैं 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी अब नहीं निकल रहा है, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसे हम पैकेट में पैक करेंगे। तो पैकेट में पैक करने के लिए पहले हमें क्या क्या चाहिए, देखिए। ये है स्पून और रबर। ये ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन ये महंगी मिलती है। मैंने ये कृषि विभाग से ही मंगवाया है। देखिए, और ये रबर। इसके लिए फिर हमें चाहिए रबर और दो पॉलिथीन। जिसने पैक बनानी है उस हिसाब से। अभी मैं दो पैक बनाऊंगी, उसके लिए पॉलिथीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इधर भी देखो। देखो अब ये तैयार है।